आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सीधे गोवा से। गोवा से हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया का वोट यूथ, जिसमें हम आपको बताएंगे गोवा के लोगों का मूड। गोवा ने अपना 60वां लिबरेशन डे मनाया, लेकिन हम यहाँ गोवा के लोगों से जानेंगे कि इन 60 सालों में क्या वो चीजें थी उनकी जो पूरी हुई हैं, और क्या चीजें हैं जिसकी उम्मीद वो अभी भी कर रहे हैं। हम एक फेरी पे सवार हुए हैं जो बैतिम से पंजिम, जो कि राजधानी है गोवा की, वहां जा रही है, और इन लहरों को पार करने के लिए हम इस फेरी में सवार हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग भी इस फेरी में सवार हैं जो पंजिम जा रहे हैं, राजधानी जा रहे हैं। क्या सोचते हैं ये, क्योंकि राजनीतिक लहरें हिलोरे ले रही हैं, चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी की नैया पार लगेगी और कौन सी पार्टी ऐसी है जो डूब जाएगी, जिसको किनारा नहीं मिल पाएगा। बीजेपी और कांग्रेस, जो गोवा की राजनीति है वो अक्सर इन दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस बार नए फैक्टर भी उभरे हैं। ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी पिछले चुनावों में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो यहां ताल ठोक रही हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी यहां पर अब अपनी पैठ बना रही है। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गोवा एक छोटा राज्य है 40 विधानसभा सीटों का, जिसपे 2017 में अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस किसी को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस से कम सीटें पाने के बावजूद भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी और इस सरकार को वो 5 साल चला भी पाई, लेकिन पिछली बार उनके पास मनोहर पर्रिकर थे, इस बार वो नहीं है। तो क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, साथ ही साथ ये जो चैलेंज है आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी का, ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? कांग्रेस कितनी चुनौती दे पा रही है? यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में हैं, किसको चाहते हैं कि वो आए ताकि उनकी बातें सुनी जाए, और अब तक क्या काम हुआ है जिसका दावा सरकार करती रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है, इसका फर्क पड़ता है, बीजेपी के लोग विकास की बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? यहाँ पर मार्शल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस बार क्या लग रहा है, चुनावी मूड क्या दिख रहा है? बीजेपी लगेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? बीजेपी आएगा। प्रमोद सावंत, अभी तो उन्होंने कुछ खास काम भी नहीं किया, अभी आए हुए सब। बीजेपी अच्छा है हमारे लिए। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा यहाँ? नहीं, बीजेपी ने इतना अभी मनोहर पर्रिकर था तभी अच्छा काम किया था, अभी प्रमोद सावंत सर आके इतना लोगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, इतना काम नहीं किया, इसके वजह से अभी नया पार्टी आया है आम आदमी पार्टी करके, वो पार्टी के लिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए सोचा है। प्रमोद सावंत जब मुख्यमंत्री बने तो उनको ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोविड आ गया था। क्या सोचते हैं आप लोग कि इस बार कौन होगा यहाँ पर गोवा? बोल सकता नहीं, बोल नहीं सकता, किसी का पार्टी मेजोरिटी हो सकता है, क्योंकि दोनों का विश्वास नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, बीजेपी का नहीं है। तो क्या किसी नई पार्टी को मौका देगी? वो सकता है बाजी, हो सकता है। पास हम चलते हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं नई पार्टी को मौका। क्या सोच रहे हैं गोवा के लोग इस बार के चुनाव? देखिए, हम गोवा से नहीं है, हम बिहार से हैं, बट जहाँ भी बीजेपी की सरकार है काम तो अच्छे हो रहे हैं, और मुझे भी लगता है यहाँ पे बीजेपी सर आ सकते हैं, बीजेपी वापस आ सकते हैं। जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दिल्ली में, पर बीजेपी भी अच्छे काम कर रहे हैं। जहाँ भी बीजेपी सरकार की सरकार है, गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार आपने नाम लिया, अच्छे काम किया है, डॉक्टर प्रमोद सावंत सर जो हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, योगी जी हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, यानी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आएगा कौन ये पता नहीं है। लोग अभी शायद, लोगों ने मूड बनाया नहीं है, या कुछ कह नहीं पा रहे हैं, या कहना नहीं चाहते हैं। आम आदमी पार्टी आएगा, आम आदमी पार्टी को लेके आना है इधर। आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी है ज्यादातर। सावंत ने काम किया है? हाँ, डेवलपमेंट। क्या मनोहर पर्रिकर के जाने से कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी? ये बताओ इस बार यहाँ पे कौन आएगा, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगा। मनोहर पर्रिकर नहीं है अब, उनका देहांत हो चुका है, क्या बीजेपी को उसका कुछ नुकसान हो रहा है? नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ काम भी नहीं बन रहा है ठीक से। प्रमोद सावंत कैसा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी वापसी करेगी या नई पार्टी कोई आएगी? मेरे हिसाब से वो बीजेपी वापसी नहीं करेगी, लेकिन मनोहर भाई मरने के बाद बीजेपी खत्म हो गई, तो पहला जैसा बीजेपी नहीं रह गया। हमारे साथ इस वक्त प्रगति पेडणेकर हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं सालेगांव से।
अभी हालांकि नाम की घोषणा नहीं हुई है। प्रगति जी, क्या लग रहा है नई पार्टी के तौर पर आपकी पार्टी यहाँ पर आई है, यहाँ की जनता क्या भरोसा करेगी? हाँ जी, ज़रूर करेगी, क्योंकि पीपल नीड अ चेंज दिस टाइम। जो आजकल के हालात हो चुके हैं, लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। पीपल आर लुकिंग फॉर बेटर गवर्नमेंट, लोगों को नया चाहिए। और आज जबकि हम देख सकते हैं कि आप एक ऐसी पार्टी है, उसके ऊपर लोगों का भरोसा हो रहा है। पीपल आर लुकिंग फॉर अ गुड गवर्नमेंट इन आप। अच्छा, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी, लोग भरोसा करेंगे नहीं को चांस? हाँ हाँ, इतनी सीटें मिल पाएंगी छोटा राज है कि सरकार बनाए या किंग मेकर की भूमिका में हो? नहीं, क्योंकि दिस टाइम पीपल है मन में निश्चय करके रखा हुआ है कि हमको एक बेटर गवर्नमेंट चाहिए, जो एक कॉमन आदमी का भरोसा जीत सके, और वो ही करती आई है। तो पीपल आर लुकिंग फॉर गुड गवर्नमेंट। कहना है कि अच्छी सरकार का लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार कुछ चेंज होगा यहाँ पर या नहीं? नई पार्टी को किसी को चांस मिलेगा या बीजेपी? होगा, बहुत अच्छा चेंज होगा। जब कोई अच्छी पार्टी आएगा ना तो अच्छा चेंज होगा। कौन सी पार्टी को इस बार लग रहा है ज्यादा चांस है? केजरीवाल का चांस लग रहा मुझे थोड़ा बहुत लग रहा। बात बताओ, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे कुछ चेंज होगा? आएगा। किस पार्टी की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं लोगों का मन क्या लग रहा है? नहीं नहीं, स्कूल में पढ़ती हूँ। किस क्लास में हो? फर्स्ट ईयर FYBS। अभी वोट आया कि नहीं? 18 ईयर्स के हो कि नहीं? आ गया आप, अभी वोट दिया है एक भी बार? नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम होगा वो। अच्छा, तो क्या सोचा है? युवा हो, यंगस्टर हो, पहली बार वोट दोगे, तो एक बार बताओ क्या है मन में कि किस पार्टी को वोट दें, कौन सी पार्टी काम कर रही है, ऐसा कभी सोचते हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि अब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो टाइम ही नहीं मिलता, हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन कोई चाहिए जो सब अच्छा, मतलब हमें फैसिलिटीज देगा पढ़ाई करने के लिए, जो चाहिए कम है वो इम्प्रूवमेंट लाएगा सोसाइटी में। तो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो काम करे। अंकल, क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी आएगी, कुछ लग रहा है चेंज होगा? Yes, people want change and I think this is going to win in this state. हमेशा जो गोवा की राजनीति है वो कांग्रेस और बीजेपी के आसपास ही घूमती है, क्या इस बार लग रहा है किसी तीसरी पार्टी का कोई चांस है? Not into politics. चीज बताओ कि क्या लग रहा है, अभी यंगस्टर हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो गए, इस बार पहली बार वोट दोगे? क्या सोचते हो गोवा के लिए कि क्या काम है जो गोवा के लिए नहीं हुए हैं या और होने चाहिए? बहुत सारे काम है जो नहीं हुए गोवा के लिए, मतलब हमारी अभी जो बीजेपी सरकार है वो कर रही है कुछ की, आई थिंक कि युवा के लिए कुछ करना चाहिए। सो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर क्या लगता है कि चेंज होगा या यही सरकार आएगी? कुछ कह नहीं सकते हैं, वो डिपेंड करता है लोगों पे, लाइक जिसके जो आई वुड से कि जो अपना मतलब अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ चेंज होगा या पॉलिटिक्स तो पार्टियां हैं कुछ, किसी नए को लोग चुनेंगे? शायद है भी नहीं भी। ऐसा क्यों है भी नहीं भी क्यों? अब बहुत टाइम तो है नहीं वोटिंग में, आसी आ लोगों के पर है ना सब। अभी लोगों ने कुछ मन बनाया कि नहीं बनाया? शायद वो बिजी हैं अपनी लाइफ में अभी, मतलब आखिर वोट देंगे तभी पता लगेगा कि किसका हुआ। क्या कुछ बदलाव होगा यहाँ पर या जो पार्टी हैं वो ही रहेंगी? हाँ, बदलाव हो जाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्या किसी तीसरे को यहाँ के लोग वोट देंगे इस बार? ऐसा नहीं लगता मैं। तो कौन आएगा, बीजेपी कांग्रेस कौन आएगा फिर? बीजेपी। पिछली बार तो अच्छी सीटें नहीं आई थी बीजेपी की, इस बार आएंगी? नहीं नहीं। तो बीजेपी जिसकी पिछली बार केवल 13 सीटें आई थी लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनोहर पर्रिकर उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो फ्लोर पे बहुमत साबित करने में भी कामयाब हो गए थे। क्या लग रहा है इस बार कुछ चेंज होगा या जो सरकार है वो ही रहेगी या कांग्रेस आएगी कुछ? कांग्रेस आने का चांस लगता है मैडम सबसे ज्यादा। हाँ। अच्छा, जो नई पार्टी आ रही है, TMC आ रही है या आम आदमी पार्टी आ रही है, उनके कोई चांस दिख रहे हैं? फिलहाल में तो इतना नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार गोवा में कुछ चेंज होगा या जो सरकार है वही रहेगी या किसी नए को चांस देंगे लोग? डिपेंड्स, लोग क्या चाहती है, अगर लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ऑब्वियसली
किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे। अच्छा, जब लोग वोट देते हैं तो दिमाग में पार्टी ज्यादा होती है या कैंडिडेट ज्यादा होता है? कैंडिडेट। पार्टी से इतना फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी, अगर कैंडिडेट अच्छा होता है ये पार्टी से ही फर्क पड़ता है। साथ ही साथ आपको दिखेगा ममता बनर्जी गोवा एक नई सुबह नाम से अभियान की भी यहाँ पर शुरुआत कर चुकी हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर लगातार आ रही हैं, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के साथ वो आती, यानी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारों का ये कहना है कि इससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। क्या लग रहा है, नई पार्टी आम आदमी पार्टी यहाँ आ रही है, इसके आने से कुछ परेशानी बढ़ेगी कांग्रेस और बीजेपी? बीजेपी क्यों बढ़ेगी, वो तो आगे है ना, अभी तो बीजेपी के तो आगे ही चल रही है ना। फिर इस बार क्या प्रमोद सावंत के नाम पे वोट पड़ेंगे यहाँ पे? पता नहीं क्या बोलेंगे उसके बारे में अभी। कैसा मुख्यमंत्री, कैसा काम कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत? अच्छा काम कर रहे हैं। तो वोट मिलेंगे उनके नाम पे या मोदी जी के नाम पे? वोट तो मिल सकता है, मिलेगा ना। हम इस वक्त हैं मांडवी नदी पे और ये पानी की हिचकोले जो हैं, ये लहरें जो हैं, ये ले जाएंगे पार सत्ता के लोगों को या नहीं, ये तय करेगी गोवा की जनता। ये मांडवी नदी जिसका इस तरफ आप देख रहे हैं, ये अटल ब्रिज बना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये ब्रिज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये नदी जाके समुद्र में मिलती है। मांडवी नदी ये वो जगह है जो यहाँ पर रेवेन्यू का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम फेरी हैं जो यहाँ की फाइनेंस की, यहाँ की जो आर्थिक स्रोत है उसका बहुत बड़ा जरिया, बहुत बड़ा हिस्सा है। ये देखिए यहाँ की तस्वीरें आपको बताएंगी कि ये कितनी प्रमुख जगह है गोवा के लिए, आर्थिक नजरिए से गोवा के लोगों के लिए। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संदीप मिश्रा जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी जो उतरी है अभी गोवा के चुनावों में, और अब इनका कहना है, मानना है अरविंद केजरीवाल का, कि गोवा की जनता उनके वादों पर भरोसा करेगी क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है। संदीप मिश्रा जी ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि गोवा की जनता आपको मौका देगी? देखिए, हमारी पार्टी का एक नारा है, हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं ईमानदारी की, हम गारंटी देते हैं शिक्षा की, हम गारंटी देते हैं स्वास्थ्य की, हम गारंटी देते हैं रोजगार की। और दिल्ली का जो दिल जीता है केजरीवाल साहब ने, जो दिल्ली का बेटा है केजरीवाल, अब वो गोवा का बेटा बनने जा रहा है और गोवा को उम्मीद है। अब गोवा के लोग इधर और उधर की बात नहीं करने जा रहे, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम करने जा रहे, अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए करने जा रहे, अपने रोजगार के लिए करने जा रहे। लेकिन एक बात बताइए, स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा की बातें अच्छी है, लेकिन ये फ्री की राजनीति गोवा में भी चलेगी क्या? देखिए, फ्री कुछ नहीं होता। अगर मेहंदी आप एक माचिस भी खरीदती हैं तो आप टैक्स देती हैं। किसी भी गरीब को अगर उसके जेब में कम पैसा है तो उसे मुफ्तखोर कहना सबसे बड़ा गरीबी का अपमान है। हर आदमी करदाता है, हर आदमी शानदार है, हर आदमी अपने वजूद से जीना चाहता है। ये जुमलेबाजी और आंदोलनजीवी कहने वाले लोग आज लोगों को मुफ्तखोर भी कहने लगे। ये मतदाता है जो सत्ता का सिंहासन देता है, उसे मुफ्तखोर कहोगे तो उखाड़ फेंकेगा वो। लेकिन एक बात बताइए, क्यों ना लोगों को काबिल बनाया जाए, साथ ही साथ क्या अहम मुद्दे आपको लगता है कि गोवा के लोगों के हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए और आम आदमी पार्टी आएगी तो बदलाव करेगी? देखिए, यहाँ माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा था, मनोहर पारिकर जाते जाते हजारों लाखों लोगों का रोजगार कब्र में दबा गए। मथानी जी अभी, जिन्होंने मनोहर और मथानी की जोड़ी, जिन्होंने सरकार बनाई थी, बीजेपी को जन्म दिया था, उनकी मिसेज जो अभी वर्तमान बीजेपी की एमएलए थी, कल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और ये कहा है कि अगर मथानी जी होते तो उनकी आत्मा रोती कि आज बीजेपी कहाँ चली गई। बीजेपी को बीजेपी के नेता ही उसे नर्क में ले जा रहे, गर्त में ले जा रहे, दलदल में ले जा रहे और आज दिल फटे हैं। ये सियासत इस खून पे नहीं होनी चाहिए, ये सियासत लोगों को बांट के नहीं होनी चाहिए। सियासत तो आप लोग भी कब्र पे कर रहे हैं ना, मनोहर पर्रिकर का नाम आपने लिया ना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को हमें इस तरह से अब याद नहीं करना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, मनोहर पर्रिकर के जाने से बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी के पास जो एक करिश्मेटिक नेता थे वो मनोहर पर्रिकर थे, जिनके नाम पे सब साथ आ जाते थे। अब अगर सीटें कम पड़ी तो दिक्कत बीजेपी को होगी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है? देखिए, बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन दूर दूर तक नहीं है। जिस कमल दल को हम इस सागर में डुबोने आए हैं उसके साथ हम खड़े होंगे, ये तो संभावनाएं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लेकिन मनोहर पर्रिकर के जाने से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब खरीद फरोख्त कौन करेगा, हॉर्स ट्रेडिंग कौन करेगा, नोटों के वो बंडल कौन लाएगा जो 17 विधायक कांग्रेस से चुने जाते हैं,
दस रातों रात बीजेपी में आते हैं। अब गोवा के लोग बोलने लगे हैं कि वोट कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो, एक ही बात है। इसी वजह से यहाँ परिवर्तन की लहर है, ये ऊंची उठती बहती हुई लहरें बता रही है कि बदल रहा है गोवा, आ रहा है केजरीवाल। चलिए, गोवा बदल रहा है या नहीं इसकी तस्वीर तो कुछ दिन में साफ होगी, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। ये वो जगह है जो आर्थिक, जो कबाई है, जो गोवा का मेन आर्थिक सोर्स है, उसकी जगह है। ये कसीनो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से गोवा का अर्जित होता है। और गोवा के लोगों की जो पसंद है वो क्या है वो तय होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब। ये बताइए, इस बार यहाँ पे क्या कांग्रेस, बीजेपी या कोई नई पार्टी? नहीं, बीजेपी आएगा या 100%। प्रमोद सावंत का टेन्योर बहुत कम रहा, उसमें भी कोविड का पीरियड रहा, तो क्या काम करने का मौका मिला उन्हें, काम किया, उनकी छवि कैसी है? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत काम किया उसने और बहुत लोगों को भी बहुत पसंद आया वो उसका काम। क्या लोग इस बार किसी नई पार्टी को चुनेंगे या कांग्रेस बीजेपी में से किसी? अभी तो सोच रहे हैं लोग, अभी सोच रहे हैं, अभी सोचा नहीं, मन नहीं बनाया। नहीं, अभी मन नहीं बनाया। फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर है। तो क्या लग रहा है, कुछ चेंज होगा इस बार? इस बार चेंज होना चाहिए, इस बार नई पार्टी को चांस देने चाह रहे हम लोग, सब यंगस्टर्स लोग चाह रहे कि नई पार्टी को चांस दे। और सब लोगों ने सोचा है कि आम आदमी पार्टी को एक बार ला के देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत काम किया है, बच्चों के एडमिशन के खातिर बहुत काम किया है लोगों ने, देखते हैं चांस देना चाहिए हम लोगों ने, तो हम लोग देना चाहते हैं। चलिए, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ को लगता है कि नई पार्टी को चांस देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। प्रमोद सावंत की जब आप बात करिए तो लोग कहते हैं, हालांकि उनका टेन्योर बहुत कम रहा, बहुत कम वक्त उनको अभी मिला है काम करने के लिए, लेकिन उनके बारे में जब आप लोगों से बात करें तो लोगों के मन में उनकी छवि भी अच्छी है। हालांकि हमें याद रखना होगा, बीजेपी के पास अब करिश्मेटिक नेता जो मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे वो नहीं हैं, और उनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2017 में जब चुनावी नतीजे आए, बीजेपी मुश्किलों में थी, उस दौरान मनोहर पर्रिकर ही थे जो यहाँ पर छोटे छोटे दलों को साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो पाए थे। और इसके लिए उनको केंद्र से, वो रक्षा मंत्री थे, वहाँ से उनको भेजा गया था गोवा वापस, ताकि वो यहाँ की राजनीति में जो बीजेपी की दिक्कत है उसे दूर कर पाए। तो इस बार क्या नतीजे होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ लोग कहते हैं नई पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि बीजेपी अब ठीक काम कर रही है अभी तक, और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। हालांकि क्या होगा ये जनता का फैसला, इसके लिए तो चुनाव का इंतजार करना होगा, और जब पेटी खुलेगी, जब नतीजे सामने आएंगे, तभी पता लगेगा कि जनता का मूड क्या था, जनता ने किसे चुना है। कैमरामैन विजय के साथ अर्चना सिंह, न्यूज इंडिया, पणजी।